नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी भी बाकी है, उसी को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक यूपी के बीच हुई। आपको बता दें, सीटों पर प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन हुआ। इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जहाँ माना जा रहा है कि इस बार वह नए प्रत्याशियों को उतार सकती है, लेकिन इस चर्चा में पीलीभीत लोकसभा और सुल्तानपुर लोकसभा सीट की भी चर्चा हुई। मौके पर आपको बताएं, पीलीभीत सीट पर वरुण गांधी और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मेनका गांधी और बीजेपी से सांसद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में सोमवार देर शाम को मंथन किया गया। वहीं कोर कमेटी की बैठक में मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी को लेकर भी एक चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी मेनका को सुल्तानपुर से उतारने पर विचार कर रही है। अभी भी वो उनके सीट को लेकर असमंजस जारी है। तो वही पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जीतन प्रसाद या केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम पर विमर्श कर रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि संगठन चाहता है कि दोनों में से किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन मेनका गांधी अपने बेटे वरुण गांधी दोनों के लिए एक एक सीट की मांग कर रही है। अब इस कोर कमेटी में देर रात तक चली और इस बैठक में तकरीबन 15 सीटों पर चर्चा भी हुई और बैठक के दौरान बाराबंकी के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी उपेंद्र रावत की जगह किसी अन्य व्यक्ति को लड़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज सीट पर भी चर्चा हुई, उसके लिए यहां से जो पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा हैं और पूर्व मेयर जो अभिलाषा नंदी के नाम पर भी विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें, रायबरेली सीट पर चर्चा हुई और वहीं सपा विधायक मनोज पांडे मौजूदा उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश सिंह के नाम पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं केसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह या उनके बेटे करण भूषण सिंह को उनके नाम पर चर्चा चल रही है। वहीं गाजियाबाद सीट की बात करें तो वहां पर मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह है, वहां पर अनिल अग्रवाल और अनिल जैन के नाम पर विचार किया जा रहा है। वहीं मेरठ सीट की बात करें, वहां पर भी चर्चा हुई, यहां पर अभिनेता अरुण गोविल और कवि कुमार विश्वास के नाम की चर्चा देखने को मिल रही है। वहीं कैंट विधायक अमित, वहीं अगर बलिया की बात की जाए तो वहां से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के साथ नीरज शेखर और आनंद स्वरूप शुक्ला के नाम पर विचार विमर्श हुआ है। ऐसे में गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा के नाम पर चर्चा हुई, तो वही एक अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता के नाम पर भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा या राघव लखनपाल के नाम पर भी विचार विमर्श किया गया। और वही मैनपुरी सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को लड़ाने के विचार पर चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके से वहां पर मैनपुरी की सीटों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि वहां से अपर्णा यादव को टिकट देना चाहिए और वहां पर डिंपल यादव जिस तरीके से मैनपुरी में एक्टिव दिखाई दे रही है, अगर अपर्णा यादव को वहां से टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और उनकी जीत की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। लेकिन क्या बीजेपी अब जिस तरीके से जयवीर को वहां से उतारने की तैयारी में है, ऐसे में माना जा सकता है कि अपर्णा यादव का टिकट कट सकता है। ऐसे में आप मेरठ की बात कर लीजिए और अब कुमार विश्वास और अरुण गोविल मैदान में उतरने वाले हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो 24 प्रत्याशियों की लिस्ट अभी बची है उसमें से कितने लोगों का नाम आता है। लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी और मेनका गांधी की सीट फंसी हुई है, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो लगातार वहां से सांसद रहे हैं और उनकी जो वहां पर जनाधार है वो कहीं ना कहीं मेंटेन है। लेकिन अगर एक सर्वे की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी अपने पहले नेताओं की सर्वे कराती है, उसके बाद जो उसका फीडबैक आता है उसके हिसाब से बीजेपी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहती है या उतार रही है। ऐसे में जब एक रिपोर्ट की माने तो माना जा रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के जो रिजल्ट्स हैं ग्राउंड लेवल पे जाके वो अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से बीजेपी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट दे और एक लोग का टिकट कट सकता है। लेकिन देखना होगा कि इन दोनों में से किसका टिकट कटने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसका टिकट कट सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।